So students, let us start about the limitations of the Daubert-Neier triad. अब हम Daubert-Neier triad के limitations की बात करते हैं कि ऐसी क्या limitations रही जिस वजह से ये Daubert-Neier triad जो है बाद में discard कर दिया गया. It means क्या इसमें कमियाँ थी और किस तरह से जो higher elements हमारे पास बाद में डिस्कवर हुए उन पर ये एप्लीकेबल नहीं हो पाया. तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं. अवर फर्स्ट पॉइंट इज दैट, जैसे कि हम जानते हैं Daubert-Neier ने क्या किया था. Daubert-Neier ने उन एलिमेंट्स को जिनकी सेम प्रॉपर्टीज है उन थ्री एलिमेंट्स का ग्रुप बना करके और उनको एक ट्रायड्स में डिवाइड किया और वो जो ट्रायड्स थे उसमें फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट का जो अर्थमेटिक मीन था वो सेंट्रल एलिमेंट के इक्वल था. ओके जी, तो ये हमारे Daubert-Neier का लॉ था. लेकिन अगर हम लिमिटेशंस की बात करें एटॉमिक मास ऑफ द थ्री एलिमेंट्स, इसमें थ्री एलिमेंट्स का जो एटॉमिक मास है ऑफ द सम ट्रायड्स आर ऑलमोस्ट सेम. कुछ ऐसे ट्रायड्स भी Daubert-Neier ने बनाए जिसमें तीनों एलिमेंट्स, लाइक द एग्जांपल वी हैव आयरन, कोबाल्ट एंड निकल, दीज थ्री एलिमेंट्स हैव द अप्रोक्सीमेटली इक्वल एटॉमिक मासेस. इट मींस इसमें जो Daubert-Neier का लॉ है वो एप्लीकेबल नहीं हो रहा है. सो इट इज द लिमिटेशन, फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ द Daubert-Neier ट्रायड. यही इसकी फर्स्ट लिमिटेशन पाई गई. इसी तरह से हमारे पास वन मोर एग्जाम्पल वी हैव, दिस इज द सेकेंड एग्जाम्पल. इस ट्रायड में भी जो फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट एंड द थर्ड एलिमेंट, इन थ्री एलिमेंट्स का, इट मींस पूरे ट्रायड्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं इसमें जो हमारे पास एटॉमिक मासेस हैं दीज आर ऑलमोस्ट सेम. इट मींस सेम एटॉमिक मासेस होने की वजह से यहाँ पर वो जो लॉ है हमारा Daubert-Neier ट्रायड का वो एप्लीकेबल नहीं हो पाया. एंड द सेकंड एंड मेन पॉइंट इज दैट इट वाज रिस्ट्रिक्टेड टू द फ्यू एलिमेंट्स. इट मींस जो पैटर्न है हमारा, पैटर्न ऑफ ट्रायड्स, ये इज नॉट एप्लीकेबल, ये एप्लीकेबल नहीं हो पाया ऑन द हाइयर एलिमेंट्स. हाइयर एलिमेंट्स पर ये पैटर्न एप्लीकेबल नहीं हो पाया. सो दिस इज डिस्कार्डेड. इसी वजह से ये जो हमारा है ये डिस्कार्ड कर दिया गया. सो स्टूडेंट्स, इट वॉज द लिमिटेशंस.